ऑडियो जंगल खबरपुर आजमगढ़ जनपद से जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मनियारपुर गांव के ग्रामीणों ने गोरखपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते मनियारपुर बोदीपट्टी पकडीहा गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोरखपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते हम ग्रामीणों को जाने के लिए अंडरपास की जरूरत है, जिसकी शिकायत हम ग्रामीणों ने कई बार उच्चाधिकारियों से की, फिर भी अंडरपास का निर्माण नहीं किया गया। गोरखपुर एक्सप्रेस वे के बीच से मनियारपुर से बोदीपट्टी नंदना मंगलपुर सहित सैकड़ों गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बाधित हो जाने से आसपास के गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां होंगी, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने आज गोरखपुर एक्सप्रेस वे पर अंडरपास को लेकर ग्रामीणों ने डॉक्टर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली प्रधान इंद्रेश कुमार यादव, रामावध, विनोद, रामप्रीत, अनिल कुमार, हरेंद्र राम, अर्जुन, नरेंद्र कुमार, संतोष कुमार, चंदन कुमार, रामलाल, पंचराज, उदयवान, पंचम, नैना देवी, गुजराती देवी सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि रोड का निर्माण तब तक नहीं होने देंगे जब तक अंडरपास बन नहीं जाता। अगर अंडरपास नहीं बनता तो हम ग्रामीण बुढ़नपुर तहसील में विशाल धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, साथ ही भूख हड़ताल भी करेंगे। इस संबंध में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि रोड निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहां पर अंडरपास की जरूरत है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, शीघ्र ही आवश्यकता अनुसार जो भी बचे हैं अंडरपास उनका भी निर्माण करा दिया जाएगा। मनावती जी क्यों आई है इस रोड पे, क्या मांग आपकी? अपन राज मांगा आये, हमारे खेत है, हमारे राज ना मिला थी, हम ढेर जब से शुरू भेल तब से मांग मांगत है, अब ले हमारे मांग ना पूरा है। तुम्हारे खेत हो गया और सकते हैं? अरे दो चार जने का हमारे इधर सामने देखे सर, मांग हमारे ना पूरा हो तो ना पूरा हो तो हम चाहे मर जाए चाहे राज ना बने। अच्छा, रास्ता नहीं बनने देंगे? हाँ, राज ना बने।